जून को धरती पर छाएगा घोर अंधकार। चारों तरफ मचेगी हाहाकार। काली छाया की गिरफ्त में होंगे सूर्यदेव। इक्कीस का पहला सूर्य ग्रहण। सालों बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। सूर्य ग्रहण और शनि जयंती एक साथ। चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद सूर्य को लग रहा है ग्रहण। क्या सूर्य ग्रहण बनेगा कोरोना का काल या बढ़ने लगेगी कोरोना की रफ्तार? क्या बढ़ सकती हैं प्राकृतिक आपदाएं? जाहिर है ब्रह्मांड में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव का सीधा असर धरती पर रहने वाले जीवों पर पड़ता है, और जब बात सूर्य ग्रहण की आती है तो असर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि धरती पर जीवन का आधार ही सूर्य है, और जब सूर्य पर लगेगा ग्रहण तो असर जरूर दिखेगा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें और ग्रहण के साथ उसको एसोसिएट करें, तो देखिए चंद्र ग्रहण जब लगा था लगभग 15 दिन पहले, तो उसके बाद से कोरोना की स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया था और ये सुधार धीरे धीरे जारी है। सूर्य ग्रहण में भी कोरोना की स्थिति में सुधार होगा और कोरोना के मामलों में गिरावट आती हुई दिखाई देगी, लेकिन चूंकि सूर्य वृषभ राशि को प्रभावित कर रहा है और वृषभ भारत का लग्न है, इसलिए निश्चित रूप से नई तरह की अजीब तरह की बीमारियां सामने आ सकती हैं, जैसे ब्लैक फंगस के मामले बढ़ सकते हैं या फंगल इन्फेक्शन के मामले बढ़ सकते हैं या समुद्र तटीय इलाकों में दिक्कतें आ सकती हैं, इस तरह की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना काफी हद तक काबू में आएगा, काफी हद तक कंट्रोल में आएगा, लेकिन नई बीमारियां आ जाएंगी और नई बीमारियां लोगों को परेशान करेंगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। हर बार सूर्य ग्रहण अलग तरह के योग लेकर आता है, और इस बार सूर्य ग्रहण की सबसे खास बात है कि जिस दिन सूर्य पर ग्रहण लगेगा उसी दिन शनि की जयंती भी मनाई जाएगी, यानी पिता सूर्य पर ग्रहण का साया और पुत्र शनि की जयंती। क्या ये महासंयोग महासंकट लेकर आएगा? क्या 15 दिन के अंदर दो ग्रहण से मचेगी उथल पुथल? देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज तक बांग्ला जानुन सब खबर सवार आगे। सब्सक्राइब करुन आज तक बांग्ला, बेल आइकन प्रेस करते भूलबेन ना।